हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी की एक वीडियो। सुहागरात के दिन पति की सच्चाई सामने आ गई, फिर पत्नी ने कर दिया ये काम। ओके, मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। चलो यार, ये वीडियो देखते हैं। वैसे इसी तरह की एक और वीडियो का रिएक्शन मैंने कर रखा है, उसमें ये था कि सुहागरात के दिन पत्नी की सच्चाई सामने आई तो पति के तो होश ही उड़ गए थे, ठीक है। और वाली रिएक्शन वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखी है, जाकर जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो है। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिर इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या हो जब अचानक एक दुल्हन शादी छोड़कर मतगणना स्थल पहुंच जाए, और क्या हो जब गुस्से में फल वाला ठेला पटक दे, तब क्या हो जब एक साथ 30 ब्यूटी कंटेस्टेंट पोज देते देते पानी में गिर जाए। जी हाँ, ये वो इंसिडेंट्स हैं जो किसी ना किसी तरह कैमरे में कैद हुए हैं। लेकिन इनके अलावा भी और कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा और इसे पूरा देखिएगा। मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी प्रेजेंट्स अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। दोस्तों, पहली बार में ये जगह देखने से आपको शायद एक कूड़ा घर लगे, और यहाँ बिखरा हुआ सारा सामान बेकार का लगे, या फिर हो सकता है आप ये भी सोचें कि ये किसी कबाड़ की दुकान है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर यह है क्या है ये। दरअसल दोस्तों, ये है आम आदमी और डॉक्टरों के लिए बनाई गई पीपी किट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई नई पीपी किट नहीं बनाई जा रही है, बल्कि इस्तेमाल की गई पीपी किट है, जिसे केमिकल से धोकर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया तरीके से। इतनी गंदी जगह में पीपी किट। दोस्तों, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद फिलहाल इसकी जांच का जिम्मा प्रदूषण विभाग को सौंप दिया गया है। दोस्तों, हमें मालूम है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ये देखकर। बहुत ज्यादा जान के साथ खेलने वालों के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। कुछ कहा नहीं जा सकता कि नाग देवता कब आप पर प्रसन्न हो जाए और कब आपको अचानक। सुंदर लग रहा है मुझे। आयरलैंड की 25 साल की वारा फॉन क्लेसरी इनके साथ हुआ, जो अपने कुत्ते के साथ आराम से ग्रोसरी स्टोर के बाहर बैठकर अपना फोन चला रही थी कि अचानक से पीछे से रेंगता हुआ एक काले रंग का सांप इनके पैर के नीचे से निकल कर जाने लगा। और जैसे ही इन्होंने सांप को देखा, इनकी हालत खराब हो गई। डर के मारे मैडम कांपने लगी। वैसे किसी के सामने भी इस तरह अचानक सांप आएगा तो उसकी यही हालत होगी। दोस्तों, ये घटना नकोन सावन एरिया की है। दोस्तों, वीडियो मजेदार लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। चलिए बात कर लेते हैं इस पुलिसिया दारू पार्टी की, जहाँ पुलिस के काबिल कर्मचारी एक साथ बैठकर जाम छलका रहे हैं। खाकी वर्दी में नजर आ रहे हैं और इस समय एक शराब तस्कर को पकड़ने के बारे में आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं। यानी शराब पीते हुए ही शराब तस्कर को पकड़ने की साजिश रची जा रही है। इस पार्टी में शामिल होने वालों में चौकी प्रभारी सिद्धार्थ कुमार हैं, साथ में अरविंद कुमार, रोहित कुमार और अमित कुमार के अलावा एक होमगार्ड अरुण कुमार हैं, जो पार्टी के समय वर्दी पहने हुए थे। आपको बता दें, वर्दी की इस कदर बेइज्जती हद है। चौकी की है इस घटना ने तो पुलिस का दामन दागदार किया ही, लेकिन यहाँ दारू पार्टी में शामिल चौकी प्रभारी सिद्धार्थ कुमार का एक और वीडियो ने पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दोस्तों, दरअसल इस वीडियो से पहले इनका एक और वीडियो काफी वायरल हो चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि शख्स से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। व्यवस्था है, 10,000 रुपए भिजवा दे रहा हूँ। नहीं ए सर, है ना, जो का है वो कर ले, 20 का, ठीक है, चौकी भिजवा दो सर। सर प्लीज, अबे तो घर में भार हूं। सुना आपने, जब एक शख्स इनसे 20,000 की जगह 10,000 देने को कहता है तो ये बोलते हैं, ज्यादा इव्वट मत करो, जितना बोला है उतना दे दो, हमें भी आगे देना है। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप पहुंच गया और फौरन जांच के आदेश दे दिए गए। दारू पार्टी में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। तो दोस्तों, खाकी की धज्जियां उड़ाता ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि इन पुलिस लोगों को हटाओ यार, निकालो नौकरी से भैया, बदनाम होता है। और दोस्तों, चंबल नदी की एक हैरत अंगेज वीडियो आप भी देख लो, जिसमें इस नदी के किनारे कुत्ता बड़े आराम से घूम रहा है, लेकिन यहाँ कुत्ते को नहीं पता कि थोड़ी देर में इसका मौत से आमना सामना होने वाला है। और ये देखिए कैसे पीछे से एक मगरमच्छ अपने शिकार की तलाश में तेजी से इस कुत्ते की तरफ बढ़ने लगता है। कुत्ता अभी भी अपनी मौत से अनजान है, उसे नहीं पता कि चंद पलों में उस मगरमच्छ का शिकार बनने वाला है। और देखिए कैसे फुर्ती से इसने कुत्ते पर हमला किया और उसे दबोच लिया, पानी के अंदर ले जाकर इसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, ऐसा नजारा इससे पहले कभी आपने देखा है? कमेंट करके हमें बताएं हाँ या नहीं। यार, जो वीडियो बना रहा था, क्या वो भगा नहीं सकता था उस कुत्ते को वहां से? पति की पत्नी की आपको जमकर तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए, नशे में धुत इंसान रात भर विस्की की पार्टी करने के बाद अपने दोस्त के साथ किसी तरह बाइक पर बैठकर सुबह 7 बजे अपने घर आया।
जहाँ 28 साल की इसकी हट्टी कट्टी बीवी वैनन लैमनर आई जब घर के बाहर आई तो नशे में बुरी तरह धुत अपने पति को अपने कंधे पर बिठाकर घर के अंदर ले जाती है। दोस्तों आपको बता दें वीडियो सेंट्रल थाईलैंड के लवबुरी प्रोविंस का है। दोस्तों वीडियो देखकर मजा आ रहा है तो नए व्यूअर सोच क्या रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, पटक दे इसे यहीं पे। ये नजारा है एक मतगणना स्थल का जहाँ शादी के जोड़े में एक सजी धजी दुल्हन बैठी है। सब हैरान है कि आखिर मतगणना स्थल पर दुल्हन का क्या काम, क्या ये अपनी शादी से भाग कर यहाँ आई है, क्योंकि दूल्हा भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो आगे दोस्तों माजरा क्या है छिलके बताते हैं आपको। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहाँ दुल्हन के जोड़े में नजर आ रही इस महिला का नाम पूनम है, जिसकी रविवार को शादी थी। घर में शादी की रस्में चल रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे कि अचानक दुल्हन को एक खुशखबरी मिलती है और ये खुशी से नाचने लगती है और खुशी के मारे सीधी मतगणना स्थल पहुंच जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो दुल्हन सीधी मतगणना स्थल पर आ गई। दरअसल पूनम बीडीसी चुनाव के सदस्य के लिए खड़ी हुई थी और आज ही चुनाव का परिणाम आना था, जिसके बाद पूनम को ये खुशखबरी मिली कि वो चुनाव जीत चुकी है। अरे वाह, डबल खुशी, क्या बात है। मतगणना स्थल पर पहुंच गई और जब यहाँ पहुंची तो लोग देखकर हैरान रह गए कि दुल्हन के जोड़े में अचानक ये महिला कैसे आ गई। लेकिन बाद में सबको पता चला कि अपनी शादी के दिन इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज कराई है, तो वो लोग भी पूनम की किस्मत की तारीफ। क्या बात है। देश में कोरोना की वजह से त्राही त्राही मची हुई है, जहाँ इस महामारी से आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो ऐसे में गरीब पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से दम तोड़ रहा है। जरा गुस्से में ठेले से फलों को जमीन पर फेंकते हुए इस गरीब फल वाले को देखो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अपने ठेले से फलों को ऐसे क्यों फेंक रहा है, तो आपको बता दें ये नगर निगम की कार्यवाही से इतना परेशान हो गया है कि गुस्से में सारे फल नीचे फेंक दिए। इतना ही नहीं, फलों के बाद इसने अपना ठेला भी सड़क पर पलट दिया। सड़क पर खड़े लोग भी फल वाले की इस हरकत को देखकर हैरान है। दरअसल इसका कहना है कि नगर निगम वाले इन्हें फल या सब्जियां बेचने ही नहीं दे रहे हैं और इसका सीधा सीधा इनके पेट पर लात मार रहे हैं। ऐसे में इनके बच्चों का क्या होगा, कैसे उन्हें दो वक्त की रोटी दी जाएगी। और देखा जाए तो काफी हद तक इस फल वाले की बात ठीक भी है, बिल्कुल यार, इनकी रोजी रोटी का सहारा तो ये ठेला ही है। जब इनकी कमाई पर इस तरह लात पड़ेगी तो गरीब कोरोना से पहले भूख से मर जाएगा। कोरोना काल में पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का भी ऐसा ही अमानवीय चेहरा सामने आया, अरे, जिसने प्रशासन की छवि को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों इसी कड़ी में एक बार फिर मध्य प्रदेश के सांझा में एक लेडी एडीएम ने सरेआम दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। हम आपको यूट्यूब की गाइडलाइंस के चलते थप्पड़ मारते हुए क्लिप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान चेकिंग करते हुए मौके पर यहां जब पुलिस प्रशासन पहुंचा तो वहां दुकान खुली हुई मिली और उससे पूछा गया कि दुकान क्यों खुली है। ऐसे में दुकानदार झूठ बोल देता है और कहता है कि घर में ही दुकान है, लेकिन जब पुलिसकर्मी देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है और लेडी एडीएम मंजुषा विक्रांत अपना आपा खोते हुए युवक को थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद पुलिस वाले भी दुकानदार की पिटाई करने लगते हैं और पुलिस प्रशासन की दबंगई का एक और वीडियो वायरल हो जाता है। और हमेशा की तरह वीडियो वायरल, यार झूठ बोल रहा था तो उस पर फाइन लगा सकते थे। आता है कि एडीएम द्वारा की गई घटना, फाइन लगाते और बंद करवाते दुकान पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, तो उठाने की किसने परमिशन दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस प्रशासन सुधरने का नाम क्यों नहीं लेता है। कोरोना से बचाव के लिए कौन सा मास्क बेस्ट है, कैसा मास्क लगाए जिससे कोरोना पास ना आए, इसे लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ऐसे में जरा इन बाबा जी पर गौर करिए जिन्होंने थोड़ा सा अजीब सा मास्क अपने चेहरे पर लगा रखा है, जिसे देखकर किसी ने पूछा कि बाबा जी ये किड़ा मास्क लगा रखा है। इसलिए नीम और तुलसी जी की पत्ती लगाए हैं, 72 साल की उम्र है। जी 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 जी। अरे तो वाह, बाबा जी अपना ही इलाज कर रहे हैं। वाला मास्क है जिसे पहनने से कोरोना पास नहीं आता, इसे पहनने के कई फायदे हैं। दरअसल दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है, जिसे आईपीएस सुनील शर्मा द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है। बता दें वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों अब जरा इस खूबसूरत वीडियो को भी देख लो, जहां कुछ लोग प्यासी ईगल को पानी पिला रहे हैं। देखिए ईगल इतनी प्यासी है कि हर हाल में अपनी प्यास बुझाना चाहती है। बता दें दोस्तों ये वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो गया है। अब जरा ये हैरत अंगेज वीडियो को भी देख लो दोस्तों, जहां इस थाईलैंड ब्यूटी कॉम्पिटिशन के दूसरे दिन ये 30 ब्यूटी दोस्तों शादी के बाद स्वागरात एक ऐसा पड़ाव है जो एक कपल के लिए बेहद खास, बेहद खुशनुमा और एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाला पल है। स्वागरात के लिए दूल्हा और दुल्हन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, मन में तरह तरह के ख्याल होते हैं, अरमान होते हैं। लेकिन सोचिए स्वागरात के दिन कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही एंड हो जाए तो अब तो बुरा लगेगा ना। दरअसल साल 2020 के नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शादीशुदा महिला ने अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने विग लगाकर शादी की और ये बात उससे छिपाए रखी कि वो गंजा है। ओ, बाला वाली स्टोरी। सुहागरात को पता चला कि उसके पति के सिर पर बाल ही नहीं है।
अगर ये बात उन्हें पहले पता होती तो वो शादी नहीं करती। पुलिस ने बताया कि क्या बात है, सम्राट हेवन में प्राइवेट फर्म में काम करने वाले कर्मचारी की 2 महीने पहले ही पेशे से अकाउंटेंट महिला से शादी हुई थी। आरोप है कि उसने अपनी शादी में पिक लगाकर 7 फेरे लिए थे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चाहते इस वीडियो का अगला पार्ट देखना तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म, एंड लास्ट वाली जो कहानी है वो पूरी तरीके से बाला, जो आयुष्मान खुराना की मूवी थी बाला पर बेस्ड है, जो एक मतलब अपनी ड्रीम गर्ल को पटाने के लिए विग का सहारा लेते हैं, शादी तक कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद जैसे ही पता चलता है कि हाँ लड़का गंजा है, वो मोहतरमा उसे छोड़कर चली जाती हैं। ओके तो देखो यार यहाँ पे मैं अभी जो भी ओपिनियन अपना रखने वाली हूँ उसे जरा एक बार मेरे नज़रिए से भी देखना, ठीक है, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती जो जिसके बाल कम होते या चेहरे पे कोई दाग होता या शरीर पे ही इनफैक्ट कोई दाग होता, ठीक है, या उसमें कोई सी भी कमी होती और उस चीज़ को छुपा कर अगर उसने शादी की होती तो क्या लड़का उसे छोड़ नहीं देता? तो मतलब जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये लड़की ने जो किया वो सही किया, एब्सोल्युटली वो गलत था। सर पे बाल ना होना तो कोई ऐसा वो नहीं है कि ऐसा बहुत बड़ा रोग नहीं है या कुछ ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से तुम अपनी शादी तोड़ दो। तुमने शादी की है यार उससे, और शादी के बाद यार ऐसा रिश्ता बन जाता है कि जो बॉन्ड है वो तुम्हारा अटूट है, और अगर कोई जायज कारण नहीं है, ठीक है, तो तुम उससे ऐसे डिवोर्स कैसे ले सकती हो, उसे कैसे छोड़ सकती हो? माना कि तुम्हारे सपने थे तुम्हारे सर मतलब तुम्हारे पति के सर पे भालू जैसे बाल हों और तुम्हारे भी भाई लंबे लंबे केश होंगे, ठीक है, तो लेकिन एक बार उसकी जगह अपने आप को भी तो रख के देखो। ये चीज़ यहाँ ये लड़की के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ कि जब आप अपनी बीवी में खूब सारी वो ढूंढते हो, कमियाँ ढूंढते हो, खूबियाँ ढूंढते हो, ठीक है, क्योंकि हर लड़की हर लड़के को एक परफेक्ट पत्नी चाहिए होती है, और हर इसी तरह लड़की की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके पति परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है, उसका पति भी परफेक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि आपने मैट्रिमोनियल साइट्स में या फिर मैट्रिमोनियल जो ऐड होते हैं अखबार वगैरह में भी, शादी वगैरह वाले विवाह वाले जो अखबार होते हैं उसमें साफ साफ पढ़ा होगा, दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए, इतनी हाइट हो, रंग गोरा हो, पढ़ी लिखी हो, और क्या बोलते हैं, काम धंधा भी सब जानती हो, है ना, घर का काम काज सारा कुछ जानती हो, मतलब ऑल ओवर एकदम सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए। तो अगर सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए तो सर्वगुण संपन्न पति भी तो लड़की को चाहिए होगा ना, ये थोड़ी ना कि हाँ मतलब लड़का निठल्ला हो और कुछ करता ना हो, उसके हाथ पैर टेढ़े हो या फिर सर पे बाल ना हो या कुछ भी, मतलब ऐसा है। तो जहाँ बैलेंस की बात आ जाती है वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हमारा समाज जो है वो एकदम डिस्क्रिमिनेट करने लगता है कि हाँ लड़की है इसे एडजस्ट करना चाहिए था और लड़का है तो वो तो छोड़ ही देगा, लड़की में कमी जो है ना, तो ये चीज़ थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और बाय द वे बाकी जो क्लिप्स थी वो भी ओ गॉड मतलब कुछ फनी थी, कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, ऐसा जैसे मतलब वो बेचारा फल वाला अपने फल फेंक रहा है, क्या करेगा घर मतलब ले जाकर, जब उसे बेच कर वो 2 पैसा नहीं कमा सकता जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके तो क्या करेगा। बाकायदा मैंने पता है पूरे लॉकडाउन में मैंने जिन जिन से सब्जी वालों से सब्जियां ली हैं, ठीक है, या फल वालों से फल लिए हैं, या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर गई हूँ सामान लेने, ठीक, सब लोग हाथ में ग्लव्स, इनफैक्ट सब्जी वाले तक मैंने देखे हैं जो फेरी वाले घूम रहे थे साइकिल पे ले लेके ठेले पे ले लेके, वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन रहे थे, मास्क लगा रहे थे, बकायदा वो जो कैप होती है वो तक लगा रहे थे, इनफैक्ट कुछ तो पीपीई किट भी पहन के घूम रहे थे। तो इतना करके भी अगर वो सब्जी बेच रहे हैं, घरों तक सब्जियां पहुंचा रहे हैं, तो यार तुम्हारी क्या मतलब पिछवाड़े में चिल मची हुई है कि तुम इन गरीबों के पेट पर लात मार रहे हो, क्यों मार रहे हो?
और सिस्टम का मतलब कुछ ऐसा सर पैर का समझ में नहीं आता, वो कभी भी कोई भी रूल लागू कर देता है भले ही इससे किसी की जान जा रही है या नहीं जा रही है। वो कोरोना से बचे ना बचे भैया वो भूख से मर जाएंगे उनके बच्चे, वो तो उनकी नज़र में मतलब सिस्टम की नज़र में ऐसा लगता है जैसे गरीब लोग कुछ मायने ही नहीं रखते हैं, वो कोई है ही नहीं, कीड़े मकोड़े टाइप हैं कि मरते हो मर जाए साले, क्या करना है हमें, हमें तो बड़े लोगों को बचाना है। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ वो हेडलाइन में आ गया था, गरीब कितने भूखे मरे वो एक बार भी हेडलाइन में नहीं आया है ना। वाओ, जैसे अमिताभ बच्चन इंसान नहीं, वो कोई स्वर्ग से उतरे हुए देवता हूँ, हैं तो वो भी इंसान ही, टैलेंट है, ये थोड़ी ना है कि मतलब वो इंसान के बदले कुछ और ही हैं। तो यार ऐसा जो डिस्क्रिमिनेट वाला सिस्टम है इसे थोड़ा सा सही होना चाहिए। नगर निगम, पुलिस प्रशासन जो भी हैं उन्हें अमीर गरीब सबको बराबर नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि जनता का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ये गरीब तबके के लोग। सो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में,